हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का ये वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी। सो गाइज, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने बालों को टॉवल से सुखाती हूँ। तो किस तरह से मैं अपने आज बालों को विद द हेल्प ऑफ टॉवल सुखाऊंगी। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जिसका भी ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसको उसकी नीड है, आई होप उस तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड उसे पसंद आए एंड उसकी हेल्प हुई हो कुछ, अगर उसे जरूरत है तो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो कि मैं किस तरह से अपने बालों को टॉवल से सुखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को ये मैंने जैसे हेयर वॉश कर लिया है, नहा लिया है। सो जब हेयर वॉश कर लेती हैं, उसके बाद पानी जो होता है उसको निचोड़ के ये टॉवल इस तरह से लगा लेते हैं। कम से कम 15 मिनट से मेरे बालों में टॉवल इसी तरह से लगी हुई है। एंड अब मैं इसको खोल के और इससे जिस तरह से मैं सुखाऊंगी, आप लोग देखना। सो गाइज, मैंने बालों को इस तरह से खोल लिया है एंड लगभग 10-15 मिनट मेरे बाल वॉश करने के बाद इसी तरह टॉवल में लगे हुए थे, बंधे हुए थे। तो आपको इसी तरह से करना है। तो जिससे क्या होता है कि अगर आपके बाल टॉवल में 10-15 मिनट ऐसे लगे तो वो आधे तो ऐसे ही सूख जाते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी करने से, उनका पूरा पानी सूख जाता है। तो मेरे बालों का पूरा पानी तो सूख चुका है, उसमें से पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है एंड अब इस तरह के बाल हो गए हैं। मैं टॉवल लेके उसे इस तरह से झड़ाते हुए और उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड गाइस, आपको टॉवल को बहुत तेज से नहीं चलाना है एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं डालना है जिससे बाल आपके टूट जाएं। तो इस तरह से मैं बहुत ही स्लोली स्लोली और आराम से सिर्फ टॉवल थोड़ा बालों से टच हो और थोड़ी सी उसके टच होने से हवा आए, सिर्फ इतना ही आपको करना है। तो मैं बालों से सिर्फ टॉवल को थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ और बहुत हल्का हल्का, और जिससे थोड़ी हवा आ रही है एंड बाल भी सूख रहे हैं और आप देख रहे होंगे मेरे बाल वैसे समथिंग हाफ सूख चुके हैं एंड इस तरह से हो गए हैं। सो आपको इसी तरह से अपने बालों को सुखाना है टॉवल लेके, धीरे धीरे उससे आपको बालों को धीरे धीरे उससे पहुंचना है इस तरह से हाथ चलाते हुए। एंड अब आप और उन्हें इस तरह थोड़ा सा झड़ाना है और इस तरह देखिए थोड़ी हवा चलेगी तो आपके बाल सूखेंगे उससे। देखिए थोड़ी थोड़ी हवा चली, एयर आ रही है उससे, अब जड़ा रही हैं तो, और बाल इस तरह से उड़ने भी लगे हैं, इसका मतलब वो काफ़ी हद तक सूख चुके हैं। अब मैं दूसरी साइड लेके बालों को इस तरह से करूँगी। और गाइस, बहुत बाल टूट जाते हैं अगर ज़्यादा तेज़ी से आप ऐसा कुछ करोगे तो बालों को तोड़ना आपको नहीं, बहुत ईजीली एंड सॉफ्टली आपको करना है। और इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं एंड आप पीछे से देख सकते हैं। और रात को मैंने ऑयलिंग की हुई थी, जो हैवी ऑयलिंग वीडियो था मैंने नाइट में शूट किया हुआ था, उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया है। सो गाइस, उससे बहुत आप देख रहे हो बाल कैसे बिल्कुल मैगी की तरह हो गए हैं, बिल्कुल मीन्स बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, बहुत अच्छे बाल हो गए थे। आप देख रहे हो एक एक बाल ऐसे मैगी की तरह जा रहा है एंड बिल्कुल नहीं उलझ रहे थे, तो काफ़ी अच्छे थे। अब आप मैं करीब से दिखा देती हूँ कितने, मतलब काफ़ी हद तक बाल सूख ही चुके हैं। 5 मिनट तक बाल ऐसे ही पड़े रहेंगे तो बिल्कुल सूख जाएंगे। एंड गाइस, बालों को आपको धूप में कभी भी नहीं सुखाना है, उस वो बालों को एकदम से अलग टाइप का ही सुखा देता है अगर आप धूप में ड्राइंग करते हैं तो, कि बाल उड़ने लगते हैं फिर एक जगह नहीं रहते, उड़े उड़े से हो जाते हैं और वो बिल्कुल अच्छी नहीं, जल जाते हैं बाल, बहुत बुरे हो जाते हैं। तो आपको उस तरह से नहीं करना है। एंड गाइस, बाल काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब 5 मिनट तक ऐसे रहेंगे तो बाल पूरी तरह से सूख जाएंगे। सो गाइस, इसी तरह से मैं बालों को टॉवल के हेल्प से सुखाती हूँ एंड 5-10 मिनट में बाल सूख जाते हैं इस तरह से।
गाइज, हो सकता है आपको मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही होगी क्योंकि मुझे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए। एंड आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।